जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज क्लास 9 to 10th का आपका एग्जाम हुआ है BPSC TRE 3 का। इसमें चलिए जितने भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है इसे हम हल करते हैं, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास से आया है, प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन का 57 है कि फोर्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। ये आपका कुवैती दिनार है, ऑप्शन आपका सी होगा। ये आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 60 है, करा अकादमी पुरस्कार 2024 यानी ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता आपका सिलियन मर्फी, ऑप्शन सी होगा। और ये भी आपका क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास से आपका ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन 64 है कि भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है। यह आपका म्यांमार में है, ऑप्शन बी होगा। और जब ये आपका क्लास में क्वेश्चन करवा रहे थे तो आपको बताया था कि क्वेश्चन वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, और देखिए आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके क्लास से आया है। क्वेश्चन का 61 है, क्वेश्चन कर आपका किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये चुना आपका हेले मैथ्यूज को। ये भी क्लास से क्वेश्चन आया है, आपको हम यानी आगे आपको प्रूफ भी दिखा देंगे। YouTube के कम्युनिटी लाइन में जाकर देखिएगा, ठीक है, इसका प्रूफ आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है। ये सजा मिस चेक क्रिस्टिना पिस्कोवा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। और ये आपका क्लास में करवा चुके हैं ये भी क्वेश्चन, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, आपको प्रूफ भी दिखाते हैं, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलते, जो आपका आया रहेगा बताएंगे, जो नहीं आया रहेगा उसे भी बताएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है। तो ये कि आपका सोलापुर से। अब देखिए ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे तो आपको पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 59 है, क्वेश्चन कर आपका IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब करने के लिए किसके साथ करार किया है। ये क्या आपका अल्टेयर के साथ, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका सिंगापुर में, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। तो देखिए आपका 8 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, 8 है, उसमें से आपका 6 क्वेश्चन अपने क्लास से है, यानी 8 क्वेश्चन टोटल पूछा गया, उसमें से आपका 6 क्वेश्चन आपके क्लास से है, यानी जितने भी आपको क्लास करवाए थे, और बहुत कम क्वेश्चन हम करवाते हैं, आप जाकर क्लास देख लीजिए, बहुत कम क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए आपका यानी 6 to 8 में भी क्वेश्चन पूरा मिला है, 1 to 5 में मिला है, और आज भी आपका क्लास 9 to 10th के एग्जाम में भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अपने क्लास से आया है। इसका आपका प्रूफ भी हम आपको कम्युनिटी लाइन पर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आप आंसर की मिला लीजिए, और थोड़े दिन में आपको हम 40 मार्क्स का भी आपका आंसर की अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।